नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। विद्यानगर निवासी बीएसएफ के एक जवान जिसकी दिल्ली सफदरगंज अस्पताल में मौत हो गई, उसकी मौत के बाद एक रिपोर्ट सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है जिसकी सोमवार को मौत हो गई थी। लेकिन ये रिपोर्ट बताती है कि वो कोरोना पॉजिटिव था, परंतु स्वास्थ्य विभाग भिवानी को इसके बारे में कोई विभागीय सूचना नहीं है और इसके लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने आधिकारिक पुष्टि नहीं की है, बल्कि स्वास्थ्य विभाग भिवानी ने आधिकारिक पुष्टि करने के लिए मुख्यालय को राज्य मुख्यालय को पत्र लिखा है। मुख्यालय द्वारा अभी तक आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है, फिर भी एहतियात के तौर पर स्वास्थ्य विभाग ने इसे गंभीरता से लेते हुए जवान के घर के आसपास रहने वाले व्यक्तियों की जाँच की है। वहीं डॉक्टरों ने बताया कि आज विद्यानगर निवासी लगभग 350 लोगों को घरों और आसपास के लोगों को 1500 व्यक्तियों की स्क्रीनिंग की गई तथा विद्यानगर से 46 सैंपल भी लिए गए। जवान के घर के सभी सदस्यों की रैपिड किट द्वारा टेस्ट किया गया जो फिलहाल नेगेटिव रिपोर्ट आई है। बताया जा रहा है कि जवान 28 अप्रैल को गया था दिल्ली, बाकी रिपोर्ट रोहतक भेजी गई है। पल पल भिवानी से अमन शर्मा की विशेष रिपोर्ट। इसकी जो रिपोर्ट है क्या रिपोर्ट है उसके बाद प्रशासन ने प्रशासन क्या कर रहा है उसकी रिपोर्ट, जैसे कि हमें पता चला पॉजिटिव है तो हमने जो है अब उनके घर पर जितने भी उनके परिवार वाले हैं और जो परिवार वाले उनके घर पर आए हुए हैं अभी, उन सबकी हमने अभी सैंपलिंग ली है। और जो भी कोई विद्यानगर में उनसे मिला है या उनके घर गया है जिस दौरान वो यहाँ थे, उन सबकी सैंपलिंग हम कर रहे हैं। जिसका पॉजिटिव आया उनका क्या नाम है, कहाँ करते हैं वो? डॉक्टर कुलदीप जी हैं जो बीएसएफ में 47 साल के मेल थे और वो यहाँ पर अपने घर आए थे। कौन सी 19 तारीख को यहाँ पर आए थे और 28 को वापसी गए हैं वो, और वहाँ पर जाने के बाद उनकी दो दिन बाद तबीयत खराब हुई और वो ऑल ऑफ ए सडन सफदरजंग में एक्सपायर हो गए। अभी हम जितने भी उनके कॉन्टेक्ट हैं उन सब की कर रहे हैं, देखते हैं कितने होते हैं। अभी तक हम 30 की तो कर चुके हैं।